भाजपा प्रदेश सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री ने भोरंज विधानसभा क्षेत्र के चंबोह में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में माफिया राज को संरक्षण देने वाली वीरभद्र सरकार का उखाड़ फेंकने एवं प्रदेश को हमेशा विकास से जोड़ने के लिए जाने माने धूमल सरकार को बनाने का समय आ गया है। आम जनमानस प्रदेश की खुशहाली विकास के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करें और माफिया राज का अंत करें। ये विषय केवल राजनीतिक नहीं है, ये विषय आम आदमी से जुड़ा हुआ विषय है, ये विषय मानव स्वभाव से जुड़ा हुआ विषय है। क्या ऐसी मनोवृत्ति आज के मानव की हो गई है कि व्यक्ति के जीवन का कोई मूल्य नहीं? और यदि मनोवृत्ति ऐसी हो गई है तो क्या कर रही है वो सरकारें जो प्रदेश के लाखों लोगों का समर्थन लेकर शिमला में बैठकर इस प्रदेश को नेतृत्व दे रही है? क्या सरकार का दायित्व यह नहीं है कि जो समाज के विरोध में काम करता है, जनता के विरोध में काम करता है, किसी की हत्या करता है, किसी का बलात्कार करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए? यह सरकार का यह काम है कि उन लोगों को सुरक्षित किया जाए? आप लोगों को तय करना है कि आने वाले 5 वर्षों में किसके हाथ में नेतृत्व देना है। माननीय धूमल जी के नेतृत्व हाथों में, जो कहते थे कि निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं और दोषी को छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने करके दिखाया। 5 वर्ष का कार्यकाल उनका बतौर मुख्यमंत्री जो रहा, हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर 1, 2, 5, 10 नहीं 86 पुरस्कार मिले। किस चीज के लिए? कि प्रदेश का पर्यावरण अच्छा हो, प्रदेश में पॉलिथीन बैन हो, प्रदेश में बेटियों की रक्षा हो, प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, प्रदेश में खनन माफिया पर लगाम लगे। ऐसे जैसे कितने अनगिनत विषय थे जिन विषयों में अच्छी कार्य पद्धति के लिए माननीय धूमल जी को नेतृत्व मिला। माननीय धूमल जी ने करके दिखाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार जो थे कि समाज में अंतिम पंक्ति में अंतिम स्थान पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता सबसे पहले हो, उस विचार पर काम करते हुए माननीय धूमल जी ने 5 वर्ष तक अपनी सत्ता को चलाया। पर दुर्भाग्यपूर्ण है, पिछले 5 वर्षों से वीरभद्र जी इस प्रदेश में एक ऐसी सरकार चला रहे हैं उसका एक और एकमात्र उद्देश्य अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करना, अपने परिवार की चिंता करना, अपने मंत्रियों के परिवार की चिंता करना और आम जनमानस के साथ धोखा करना।